स्मार्ट यूजर्स के तौर पे आपको तो आइडिया लग ही चुका होगा कि विंडोज 11 24 जून को रिलीज होने वाला है। दिग्गज टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट पर्सनल कंप्यूटर यूजर्स के लिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव करने जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि 24 जून को विंडोज 11 लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट इवेंट से पहले विंडोज 11 के बारे में जानकारी लीक हो गई है चीनी वेबसाइट पैडू पर। विंडोज 11 के स्क्रीनशॉट भी काफी ज्यादा मिले हैं। विंडोज का नया वर्जन एक नए इंटरफेस के साथ आ रहा है। इसमें एक नया स्टार्ट मेन्यू, राउंडेड कॉर्नर्स जैसे कई बदलाव किए गए हैं। नए अपडेट के साथ विंडोज का नया लोगो भी पेश किया जाएगा। XDA डेवलपर्स का कहना है कि यह ब्लू माइक्रोसॉफ्ट लोगो है। लीक हुई इमेज में अधिकतर UI नई सन वैली डिजाइन थीम पर दिख रहा है। नया स्टार्ट मेन्यू में काफी ज्यादा बदलाव है। इसमें सबसे बड़ा बदलाव टास्क बार का हो सकता है। प्रो वर्जन अवेलेबल नहीं हुआ है, इसे अब सेंटर में किया जा सकता है इसके टास्क बार को। और इसमें नया स्टार्ट बटन और मेन्यू है। स्टार्ट मेन्यू बिना लाइव टाइल्स के है और इसमें पिंस, ऐप, रिसेंट फाइल्स और विंडोज 11 डिवाइसेस के क्विक शॉट डाउन एंड रीस्टार्ट बटन प्रोवाइड किया गया है। डार्क मोड के लिए सपोर्ट के साथ आने की उम्मीद है। ऐप आइकन्स और स्टार्ट मेन्यू को बाएं ले जाने का एक विकल्प भी है। विंडोज 11 के डार्क मोड के लिए सपोर्ट के साथ आने की उम्मीद है। विंडोज 11 में एक अन्य बदलाव राउंडेड कॉर्नर्स के इस्तेमाल का है। स्टार्ट मेन्यू, फाइल एक्सप्लोरर, कॉन्टेक्ट्स मेन्यू जैसे UI के प्रमुख एलिमेंट्स को राउंडेड कॉर्नर के साथ दिया गया है। XDA डेवलपर ने बताया है कि विंडोज सर्च में भी काफी बड़ा बदलाव हुआ है। यूजर्स अब ऐप, डॉक्यूमेंट, सेटिंग्स के अनुसार फिल्टर कर सकेंगे। विंडोज 11 में नए स्नैप कंट्रोल दिए गए हैं जिन्हें मैक्सिमाइज बटन के जरिए एक्सेस किया जा सकता है। गौरतलब है कि विंडोज 11 का ISO फाइल लीक हो गया है। हालांकि यह फुल वर्जन नहीं है, ISO फाइल पायरेटेड है और लोग इसे टेस्टिंग के लिए अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल भी कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे आप इस ISO फाइल को इंस्टॉल करोगे अपने सिस्टम में। तो सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करना होगा एंड रूफस सॉफ्टवेयर के जरिए, जो प्रोसेस आपने पुराने वाले विंडोज 10 या विंडोज 7, 8 के लिए अपनाया था, सेम प्रोसेस, वही चीजें हैं, उसी तरीके से आप आसानी से अपने सिस्टम में इन सब चीजों को इंस्टॉल करोगे। तो चलो मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आप इसके ISO फाइल को आसानी से डाउनलोड करोगे, जो लीक ISO फाइल है। तो इसके लिए सबसे पहले आप गूगल ओपन करो, टाइप करो विंडोज 11 डाउनलोड, विंडोज 11 ISO, देन काफी सारी वेबसाइट्स है यहां पे शो कर रही है। सो इसमें से आप takeviral.net इस वेबसाइट पे आ जाओ एंड क्लिक करो। काफी चीजें लिखी हुई है, काफी प्रोसेस अवेलेबल है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन शो कर रहे हैं, डाउनलोड विंडोज 11 ISO मेगा ड्राइव लिंक या आप मीडिया फायर लिंक। सबसे अच्छा है कि आप कोई सा भी एक लिंक चूज कर लो, मेगा ड्राइव लिंक। एंड नाउ आफ्टर दैट आपके सामने ये ऑप्शन शो करेगा यहाँ पे, जस्ट क्लिक ऑन इट एंड क्लिक ऑन डाउनलोड एज जिप एंड ये हमारा डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो 4.54 GB की ये फाइल्स है, तो आप आसानी से इसे डाउनलोड कर लो प्रॉपर वे में। एंड डाउनलोड करने के बाद जो प्रोसीजर से, वही प्रोसीजर अवेलेबल है यहाँ पे, आप रूफस सॉफ्टवेयर के जरिए इन सब चीजों के ऊपर प्रॉपर काम कर सकते हो। जब ISO फाइल डाउनलोड हो जाए तो देन आपको अगर इंस्टॉलेशन बनाना है तो बस क्लिक करना होगा आपको रूफस पे, रूफस सॉफ्टवेयर के जरिए आप अपने पेन ड्राइव को इंस्टॉलेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये प्रोसीजर है एंड टेस्टिंग कर सकते हो। तो टेस्टिंग में बहुत ज्यादा अभी फीचर्स को नहीं लाया गया है। आने वाले 24 जून को जब ये रिलीज हो जाएगा उसके बाद आपको काफी ज्यादा इसमें जो है प्रो फीचर्स अवेलेबल होगा और उस समय ज्यादा आपको टेस्टिंग में मजा आएगा। तो फ्रेंड्स, आप इस फीचर्स को देखने के लिए एंड प्रो फीचर्स को देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहे, और अगर फर्स्ट टाइम आप आए हैं मेरे इस चैनल पे तो प्लीज आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।